हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं ए टू जेड फैब्रिकेशन। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा डोमवाल शटर कैसे भरते हैं, डोमवाल शटर में ग्लास कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपना ग्लास हो गया, अब हम इस पर ग्लास पीवीसी लगाएंगे। तो दोस्तों, हम इस पर ग्लास पीवीसी लगाएंगे। और जो भी दोस्तों नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। और आपको जो पार्ट अच्छा लगे वो कमेंट करके बताएं। और अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। तो दोस्तों, फटाफट हम पीवीसी लगा लेते हैं पहले। तो दोस्तों, अपना ग्लास लग चुका है, अब हम इस पर अपना वृत्त वाला सेक्शन लगाएंगे। और हाँ, एक बात याद रखें, ये सेक्शन लगा रहे हैं ना, तो दोनों साइड से देख के इक्वल लगाएं। अगर एक साइड में लग गया तो बाद में वो बैठने के बाद दूसरे साइड में नहीं जाता है, इसलिए दोनों साइड से इक्वल करके ही लगाएं। तो चलिए, ये भी लगा लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों, अपना वृत्त का दोनों लग चुका है, ऊपर और नीचे का पीस। अब हम हाइट का दोनों पीस लगाएंगे, दोनों साइड का। तो चलिए फटाफट ये भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हमने ग्लास के ऊपर पीवीसी लगाया, फिर उसके बाद हमने जो अपना सेक्शन है, डोमवाल सेक्शन, यूरो सेक्शन जिसे बोलते हैं, वो हम लगा चुके हैं। अब दोस्तों, हम इसकी डिग्री सही से सेट करेंगे और इसको स्क्रू लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम स्क्रू लगाते हैं। तो दोस्तों, हमने एक साइड में स्क्रू लगा लिया है,
अब हम इसको घुमाएंगे और दूसरे साइड भी स्क्रू लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट स्क्रू लगा लेते हैं इधर भी हम। तो अपना शटर रेडी हो चुका है दोस्तों। इसी तरीके से डोमॉल सेक्शन में हम ग्लास भरते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे दोस्तों।